हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दिस आंसर टेक। मैं दीपक शर्मा आपका मैथ्स का टीचर, और आज का ये वीडियो का हमारा पार्ट थ्री, टॉपिक हमारा वही है रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग पिछले दो पार्ट्स में क्या क्या कवर किया हमने। तो बेसिकली ये दो टॉपिक्स को ही हमने कवर किया है, ठीक है ना। पिछले पार्ट में हम लोग ये जो टॉपिक हमारा वन है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, और सेकेंड टॉपिक को एक्सप्लेन किए थे, है ना, कैसे हम लोग किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के इस पार्ट में हम लोग बेसिकली थ्री और फोर, ये दो टॉपिक्स हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, है ना। एक बार देख लेते हैं कंपैरिजन। ओके, तो यही है बेसिकली कंपैरिजन, एंड हाँ यही दो टॉपिक और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग को करने हैं इस पार्ट में। तो शुरू करते हैं अपोजिट पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। अब अपोजिट पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स को समझने के लिए एक बार हम लोग थोड़ा सा नंबर लाइन को समझने का फिर से प्रयास करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक बार फिर से प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग को क्लियर होगा। चलिए, तो हम लोग एक नंबर लेते हैं 2/5, और एक दूसरा नंबर लेते हैं -2/5, ठीक है। दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन की बात करें तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने बताया था कि अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कोई रेशनल नंबर, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो, और नेगेटिव होगा तो 0 और -1 के बीच में होगा। मतलब हम लोग को ये जो फर्स्ट नंबर है वो 0 और 1 के बीच में मिलेगा, और सेकंड नंबर 0 और -1 के बीच में। हम लोग मार्क कर लिए हैं, अभी तो हम लोग अंदाजा से किए हैं, बट रूल ये है कि इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब 0 और 1 के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही 0 और -1 के बीच में होना चाहिए, रूल यही है। फिलहाल हम लोग समझने के लिए अभी फिलहाल एक अंदाजा ले रहे हैं जो कि लगे कि हाँ बराबर है। अब सेकंड में हमें क्या करना है, तो 2/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो जो डिनोमिनेटर होता है ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स रिप्रेजेंट करता है, ये हम लोग बात को जाने थे पिछली बार। तो अब क्या करेंगे, 0 और 1 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितना मार्किंग करेंगे हम लोग, तो 4 मार्किंग करेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, 1, 2, 3 एंड 4, हो गया 4 मार्किंग किए। तो कितना पार्ट में डिवाइड हो गया, ये 1 पार्ट में, आप देख भी सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, 3, 4, 5 लाइन सेगमेंट बन गया, और 5 लाइन 5 पार्ट में डिवाइड भी हमें करना था, तो डिवीजन हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, तो न्यूमेरेटर जो है, न्यूमेरेटर जो हमारा 2 है, जितना न्यूमेरेटर होगा उतना ही काउंटिंग करेंगे। कहाँ से करेंगे, तो 0 से, ठीक है ना, क्योंकि 0 और 1 के बीच में है, तो जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वहीं से काउंटिंग करना होता है। तो 0 से काउंटिंग करना और 1 की तरफ काउंट करना शुरू करना है। तो कितना काउंट करेंगे, 2, तो 0 को छोड़ के काउंट करिए, 1 एंड 2, तो ये जो पॉइंट मिला हमको क्या हो गया, 2/5। सिमिलरली अब हमको -2/5 को जब रिप्रेजेंट करना है, तो ये -1 और 0 के बीच में होगा, राइट। तो यहां भी डिनोमिनेटर हमारा 5 है, तो 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 मार्किंग कर दी हम लोग। अब इस बार काउंटिंग करेंगे, अभी भी 0 से काउंट करेंगे, लेकिन किस तरफ, -1 की तरफ, क्यों, क्योंकि 0 और -1 के बीच में है ना, हमेशा डायरेक्शन हमारा 0 के तरफ से ही होगा। तो अगर 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में काउंटिंग शुरू करेंगे, और नेगेटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो 0 से हम 2 काउंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1 एंड 2, ये हमको पॉइंट मिलेगा, तो ये मिल गया हमारा -2/5। तो अभी आप समझ गए कैसे हम लोग किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि एक्चुअल में दोनों जो नंबर हैं -2/5 और +2/5, अगर हम साइन हटा दें, माइनस का साइन हटा दें, तो दोनों बेसिकली 0 से इक्वल डिस्टेंस पे ही हैं, है ना। तो ऐसे दो रेशनल नंबर्स जो 0 से सेम डिस्टेंस पे होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वही अपोजिट पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब हमारा ये -2/5 और ये 2/5, ये क्या है, एक अपोजिट पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स है, ठीक है। तो अब हम हर बार नंबर लाइन को तो यूज करेंगे नहीं, कोई भी अगर आप रेशनल नंबर की बात करें, जैसे 9/7, ठीक है, ये एक हम रेशनल नंबर ले रहे हैं, तो इसका अपोजिट पेयर क्या होगा,
तो माइनस नाइन बाई सेवन, ठीक है। मतलब कोई भी एक रेशनल नंबर लेना है, अगर वो निगेटिव है तो उसका जो अपोजिट पेयर होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट पेयर निगेटिव होगा। ये बात आप ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है। पहला है कंपैरिजन, आई मीन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स है। तो अब इसको हम लोग किसी एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है ना। कंपेयर करना मतलब क्या होता है, कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है या इक्वल है, ठीक है ना। जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं, या तो बड़ा होगा कोई उसमें से, कोई छोटा होगा, या दोनों बराबर होंगे। तो कैसे हम लोग करेंगे कंपेरिजन, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, फर्स्ट जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस फाइव बाई फोर, और ये हो जाएगा, ये तो है माइनस ट्वेल्व बाई एटीन, ठीक है। तो एक्चुअली माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग को साइन को ठीक कर लेना है ना। अगर नीचे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लेना है। तो ये हो गया हमारा। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, कि जो इनका जो डेनोमिनेटर्स है उसका एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। टेक एलसीएम ऑफ द डेनोमिनेटर्स, मतलब नेटर्स। तो क्या हो जाएगा जब एलसीएम आप लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 18, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कंपेयर करना बहुत जरूरी है। कंपेयर करना अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। तो 4 और 18 का जब आप एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ओके। अब तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 9, 36, ठीक है। एलसीएम 36 हो गया। अब बेसिकली जो एलसीएम आया है, हमको इसके डिनोमिनेटर्स को उसी नंबर में चेंज करना है, ठीक है ना। मतलब हम लोग को इन दोनों ही फ्रैक्शंस, दोनों ही रेशनल नंबर्स को के डिनोमिनेटर्स को 36 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे माइनस फाइव बाई फोर है और ये है हमारा माइनस ट्वेल्व बाई एटीन, तो 4 को हमको 36 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, आई मीन एलसीएम को डिवाइड कर देंगे किससे, तो पहला रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से। तो क्या जाएगा, 9 आया, इसका मतलब कि हम लोग दोनों में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा। अब ऑब्वियसली आप एक में नहीं कर सकते, अगर एक में करेंगे तो फिर वैल्यू चेंज हो जाता है ना, दोनों में करना है। अगर 4 में कर रहे हैं तो 5 में भी, मतलब न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। अब यहां भी हमको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 36 आ जाए। नहीं समझ में आ रहा है, क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्या गया, 2 आ गया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ। अब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। अब आपको बस मल्टीप्लाई करके लिख देना है, क्या हो जाएगा ये, माइनस 45 बाई 36, और ये हो जाएगा 24 बाई 36, ठीक है। तो अब दोनों ही जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, दोनों का ही डेनोमेटर सेम हो गया है। अब हम क्विकली बता सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, या कौन बड़ा है, हमें ग्रेटर बताना है। तो इसमें कौन ग्रेटर होगा, तो जिसका न्यूमरेटर वैल्यू बड़ा होगा वही ग्रेटर होगा। तो अब आप बताइए माइनस 45 और माइनस 24 में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आपको बताया गया पहले कि अगर कोई दो नंबर दोनों ही निगेटिव हैं तो उनमें जो छोटा होता है वही बड़ा होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो 24 आपका छोटा है 45 से, बट यही आपका निगेटिव 24 जो है वो निगेटिव 45 से बड़ा होगा। मतलब कौन सा हमारा बड़ा हो गया, माइनस 24 बाई 36, जो कि किसके बराबर है, ये किसके बराबर आया था, किसको हम लोग सॉल्व किए थे, आया था इतना माइनस 12 बाई 18 को सॉल्व किए थे ना, तो माइनस 12 बाई 18 इज ग्रेटर,
ठीक है, तो कंपेयर करना बेसिकली इस एग्जांपल से हम लोग कंपेयर करना सीखे। हमें करना क्या है, तो जो रेशनल नंबर्स उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देना है पहला स्टेप में डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। सेकेंड स्टेप में डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। थर्ड स्टेप में एलसीएम के हेल्प से इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। कैसे करना है, तो मैंने बताया था डिवाइड करके जो नंबर आएगा उससे हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनल जब आपका आंसर आएगा तो उसमें फिर आपको न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, जो छोटा होगा वो छोटा, जो बड़ा होगा वो बड़ा, ठीक है, और अगर इक्वल है तो इक्वल। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे हम लोग कंपेरिजन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। अच्छा, प्रैक्टिस करने से पहले एक और टॉपिक हमारा बच रहा है, रेशनल नंबर्स फाइंड करना बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अगर जैसे यहाँ पे दो रेशनल नंबर्स दिए हैं 2/-3 एंड -1/5, इनके बीच में हम लोग को अगर कुछ रेशनल नंबर्स फाइंड करने हो, 2, 3, 4, 5 जितना भी बोला जाए, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो समझते हैं। आइए, गिवन रेशनल नंबर्स, गिवन रेशनल नंबर्स हमारे हैं 2/-3 एंड -1/5। अब ध्यान दीजिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, -2/3 एंड -1/5। तो यहाँ भी हम लोग को सबसे पहला स्टेप यही करना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है, ठीक है ना। मतलब इन दोनों का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है जिसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाए, इस हिसाब से लिखना है। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3, 5 15 होता है। अब 15 में पहला वाला से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों में, तो ये -2/5/3/5। उसी तरह से अगर आप इस पे ध्यान दें तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो ऊपर भी 3 से कर दीजिए, क्या हो गया -10/15 एंड -3/15। अब आप देख रहे हैं कि -10 और -3 के बीच में कितने नंबर हैं, तो -9 है, -8 है, -7 है, -6 है, -5 है, -4 है, -3 है, है ना, मतलब 6, 4 है, 6 नंबर्स हैं -10 और -7 के बीच में, और हमको कितने लिखने हैं, 5 लिखने हैं। तो उनमें से 5 आप लिख दीजिए कोई भी, तो अब इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं, थस द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 10/15 या ओरिजिनल फॉर्म लिखिए -2/3 एंड -1/5 आर क्या क्या होंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको अब इस पर ध्यान देना है, इस नंबर पे और इस नंबर पे। तो यहां पे क्या है हमारे पास, -10 है यहां पे और यहां पे -3। डिनोमिनेटर तो सेम है, अब न्यूमेरेटर को आप चेक करिए, -10 है, -3 है, तो -10 और -3 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, कौन कौन से होंगे, लिखते हैं हम यहां पे, तो -9 होगा, -8 होगा, -7 होगा, -6 होगा, -5, -4, कितने हो गए, 6 हो गए इंटीजर्स। अब आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर भी कॉमन ही रहेगा, यानी सबके नीचे आपको 15 लिख देना है। ठीक है ना, अब हम लोग को लिखना था 5, हमने लिख दिया 6, क्योंकि 6 है तो हमको किसी एक को मिटा देते हैं, या तो शुरू वाला मिटा दीजिए तो एंड वाला मिटा दीजिए, हो गया। कौन कौन से हुए, -9/15, -10/8/15, -7/15, -6/15, -5/15। और आपको मैं एक बात बता दूं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड किया जा सकता है, तो इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है ना, हम जितना चाहे उतना रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में, है ना। अब डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है, अगर 5 करना था तो हमने 5 निकाला, अगर यहाँ पे 10 बोल दिया जाए तो हमको फिर इसी में थोड़ा सा और इसको कुछ मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर का वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा ताकि उनके बीच बहुत सारे और इंटीजर्स आ जाए। तो
तो इस तरह से हम लोग और चलिए इसको समझ ही लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, बात नहीं करेंगे इसको समझेंगे। जैसे अभी यहां पे हम लोग को सिर्फ 5 बोला गया था, अगर बोला जाए कि 10 निकालिए, 10 बोला जाए निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, यहां तक तो हम लोग का प्रोसेस सेम ही रहेगा, यहां तक प्रोसेस सब सेम रहेगा। अब यहीं से हमको सोचना है, थोड़ा यहां पे सोचना है कि यहां पे हमारा जो दो न्यूमरेटर आ रहा है ना, -10 और -3, इसके बीच में सिर्फ 6 इंटीजर्स हैं और हमें फाइंड करना है 10, तो क्या करेंगे, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कोई एक नंबर से अपने तरफ से मल्टीप्लाई कर, जैसे 15 है ना, तो 15 और 10 -2 दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -10 बाई 15 इंटू 2, तो इधर भी 2 कर दिए, अब इधर किए हैं तो यहां भी हम लोग को वही सेम 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -20 बाई 30 और ये हो जाएगा -6 बाई 30। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारा नंबर था पहले -2/3, अब वही नंबर हो गया -20/30, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच, अब इन दोनों के बीच अगर आपको बोला जाए रेशनल नंबर निकालेंगे तो कितने निकलेंगे, तो -20 के बाद क्या आएगा, -19, -18, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8 एंड -7, मतलब आपको हो रहे हैं 13 रेशनल नंबर्स मिल जा रहे हैं, है ना, इन दोनों के बीच में अब 13 रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं और हमको कितना निकालना है 10, तो हम 10 में से 10 ही कोई 13 में से कोई भी 10 लिख देंगे। तो इसी तरह से हम लोग क्या करना है, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ाते जाना है, अगर हमें जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 10 चाहिए तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किए, अगर बोला जाए 100 चाहिए तो हम लोग को 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है ना, इसी तरह करते जाएंगे और हमको उनके बीच में रेशनल नंबर्स मिलता जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और बाकी अगर कुछ है कंफ्यूजन्स तो उसको हम लोग जब बनाएंगे, यहां पे लिख ही देते हैं -19/15 -18/15 -17/15 एंड .. आप 10 तो लिख लीजिए, 3 मैंने लिखा है, बाकी 7 आप लिख दीजिए इसी तरह से। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, अब कुछ प्रैक्टिस वर्क है, ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या है। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, 0 इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर, ये तो बात हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, 0 जो होता है हमारा निगेटिव रेशनल नंबर से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। नंबर लाइन का एक हेल्प लेते हैं, तो नंबर लाइन में आप देख रहे हैं तो बीच में 0 होता है, ये राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स और लेफ्ट में होते हैं निगेटिव रेशनल नंबर्स, तो याद रखिएगा जो लेफ्ट साइड में होता है वो छोटा होता है, जो राइट साइड में होता है बड़ा होता है। तो आप देखिए लेफ्ट में निगेटिव है और राइट में, अगर 0 और निगेटिव नंबर्स की बात करें तो निगेटिव लेफ्ट में हो रहा है और 0 राइट में हो रहा है, तो इसलिए 0 क्या होगा, बड़ा होगा निगेटिव रेशनल नंबर से, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, द रेशनल नंबर -7/9 लाइज ऑन टू द राइट ऑफ द रेशनल नंबर 7/9, कह रहे हैं कि -7/9 7/9 के राइट में होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आप जानते हैं ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ये निगेटिव रेशनल नंबर है, और हमेशा निगेटिव जो नंबर होता है वो लेफ्ट में होता है, और ये कह रहा है कि राइट में, तो राइट में गलत है, राइट में कभी नहीं होगा, ये फॉल्स हो गया। निगेटिव नंबर कभी भी किसी पॉजिटिव के राइट में नहीं हो सकता है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव राइट में है, निगेटिव लेफ्ट में है। नाउ थर्ड नंबर, -3/2 इज लेस देन 9/-2, तो इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं थर्ड को, और ये हो जाएगा -9/2, तो दोनों का देखिए डेनोमिनेटर सेम है, तो जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, तो अब देखिए -3 और -9 में -3 क्या छोटा है -9 से, नहीं -3 बड़ा है, निगेटिव में जो छोटा होता है वो एक्चुअली बड़ा हो जाता है,
तो ये कह रहा है कि लेस देन है विच इज फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स हो गया, ठीक है ना। पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, उसके बाद फिर उसको कंपेयर किए, तो माइनस थ्री इज नॉट लेस देन माइनस नाइन, माइनस थ्री इज ग्रेटर देन, क्योंकि माइनस थ्री जो होगा राइट में होगा और माइनस नाइन लेफ्ट में होगा, ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। नंबर फोर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स लाई बिटवीन वन एंड टू, तो हाँ ये सही है। अभी हम लोग बात किए किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे, सो दिस इज ट्रू। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड मार्क द रेशनल नंबर्स माइनस टू बाई नाइन एंड माइनस फाइव बाई नाइन ऑन इट, तो ये इजी है, मैं क्विकली आप लोग को ये मार्क करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ये जो टॉपिक है कंफ्यूजिंग है ना, स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो हम लोग थोड़ा इस पर और चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए दोनों ही निगेटिव हैं और दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आप ध्यान दें 2 बाई नाइन 5 बाई नाइन ये प्रॉपर है, तो माइनस वन और वन के बीच में होंगे, माइनस वन आई मीन माइनस वन और जीरो के बीच में होंगे, तो चलिए ठीक है, हमने ये चेक कर लिया कि किन दोनों इंटीजर्स के बीच में है। अब हमको इसको डिवाइड करना है, कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर 9 है तो 9 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, ज़्यादा ही छोटा छोटा हो गया, ठीक है, 8 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। अब काउंटिंग जीरो से करेंगे माइनस वन की तरफ, कितना करना है माइनस टू, वन एंड टू, दिस इज माइनस टू बाई नाइन और ये माइनस फाइव बाई नाइन, तो अब यहीं से काउंट करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5, दिस इज माइनस फाइव बाई, तो एक ही नंबर लाइन पे हमने दोनों ही रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, या कि ये कही कि मार्क कर दिए, ठीक है। अब थ्री, आइडेंटिफाई द ग्रेटर रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स, ओके, तो इस पर हम लोग अच्छे से चर्चा किए थे, क्विकली एक बार यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, पहले हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी 11 और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाता है 132 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 11 से, तो क्या हो जाएगा ये 36, ओ सॉरी, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्लियरली देख रहे हैं कि एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए तो फिर हम क्लियरली कह सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, 3/11 इज ग्रेटर देन -7/12, हमें उतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, है ना, परिश्रम तब करना है जब दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव हो तो हम सीधे बता सकते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर है वो ग्रेटर है, जो नेगेटिव है वो स्मॉलर है। यहाँ पे देखिए ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे हमें करना पड़ सकता है 81/63। एक काम और करते हैं, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो भी, हाँ इसको तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, 9/7 हो गया, 77/9। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये नंबर ऐसे ही हमको काफी बड़ा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जब आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 7/7 2/9 और ये हो जाएगा 8/5/9, तो देखिए होल पार्ट जिसका बड़ा है वो बड़ा है, दिस वन इज ग्रेटर, ठीक है ना, मतलब लिख देंगे यहाँ पे क्या 77/9 इज ग्रेटर, ठीक है। तो कई बार हम लोग बिना डिनोमिनेटर को सेम किए भी हम लोग बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे देखने से लगा था कि जब हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो जिसका होल पार्ट बड़ा है वो बड़ा, जिसका होल पार्ट छोटा है वो छोटा, तो ये भी कुछ तरीके हैं हम लोग को किसी दो फ्रैक्शंस आई मीन दो रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने के। अब अगेन फोर नंबर, इसमें हमें क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ
निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले सबसे छोटे वाले नंबर्स को लिखते हैं, है ना। तो इनमें से हमको सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। तो देखिए ये तो पॉजिटिव है तो ये सबसे बड़ा है, ये बात तो क्लियर हो गया कि 1/7 इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल दिस फोर रेशनल नंबर्स। तो हमको इन तीनों में से ही कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 399 का अगर एलसीएम आप लेते हैं तो 9 ही हो जाएगा। अब आपको 9 बनाना है 3 को, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये तो ऑलरेडी 9 है तो इधर कुछ नहीं करेंगे, ये भी ऑलरेडी 9 है इसको भी कुछ नहीं करेंगे, और ये तो 1/7 पॉजिटिव है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया -15/9, -4/9, -4, ओके दोनों ही -4/9 हो गया है। चलिए इसको हम लोग एक को हटा देते हैं, दोनों सेम ही वैल्यूज हैं 1/7, ठीक है इसको हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों निगेटिव है, इनमें से कंपेयर करिए कौन छोटा है, तो जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, निगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, मतलब -15/9 इज लेस देन -4/9 एंड इज लेस देन 1/7। ओ ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसी को करके 15, 5, 10 एंड 7। तो इसमें भी कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है, हम लोग क्या करते हैं, एक तो तरीका है कि सभी को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, या तो हम लोग क्या करेंगे निगेटिव को अलग कर लेते हैं पॉजिटिव को अलग, सिंप्लिसिटी के लिए 11/5, 3/7। अब आप क्या करें इन दोनों को ही कंपेयर केवल करें, ठीक है ना। तो 15 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 होगा तो इसको हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए प्रोसेस क्या है, ये मैंने कई बार डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है तो अब मैं और डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे हो जाएगा आपका 35, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -26/30, -36/30, 77/35, 15/35। तो हमको सबसे छोटा सेलेक्ट करना है, तो सबसे छोटा तो निगेटिव ही होगा ना, तो इन दोनों में आप देखिए कौन छोटा है, दिस वन इज स्मॉलर, तो -36/30 लेस देन -26/30। अब ये बचे दोनों पॉजिटिव, इनमें से कौन छोटा है, तो 15 छोटा है, तो 15/35 लेस देन 77/30, ठीक है। तरीका बहुत सारा है कंपेयर करने का, है ना, लेकिन हम लोग एक कॉमन मेथड की बात कर रहे हैं, कॉमन मेथड, ये जो मेथड है कॉमन है, इस मेथड से आप किसी भी रेशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको आप ओरिजिनल फॉर्म लिख दीजिए, ओरिजिनल है आपका -12/10 एंड -13/15 और 3/7, 11/5। वैसे अब अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी बड़ा ही लग रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तो 2 हो जाएगा, और ये तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। अब इन दोनों में भी आप कंपेयर करें, है ना। तो बहुत तरीके हैं कंपेयर करने के, लेकिन हम लोग ये कॉमन मेथड यूज़ करेंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर सेम प्रोसेस आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। बस क्या करना है कि यहाँ पे जो सबसे बड़े नंबर है उसको पहले लिखना है और जो छोटे हैं उसको बाद में लिखना है, तो ठीक है। एक काम करते हैं इसको एक बार और, क्योंकि पिछली बार थोड़ा हॉचपॉच हो गया था, तो इसको हम लोग क्लियर करने के लिए एक बार और इसको बना लेते हैं। देखिए डिनोमिनेटर आपका क्या है, 3, 9, -27, 6। पहले इसको हम लोग मिक्स्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, -3/27, -5/6, ओके -5/3, 4/9, इसको आप कटाइएगा तो -1/3 हो जाएगा, है ना, ये -5/6। सिंपल कर लिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब निगेटिव में आपके 3 ये नंबर से जो निगेटिव है,
है ना, तो इसी को अगर हम लोग कंपेयर कर ले तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये 4/9 तो पॉजिटिव है तो ये सबसे बड़ा यही है, हमें समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी इनको कंपेयर करते हैं। तो 3, 3 एंड 6, 3, 3, 6 ये नंबर है, डेनोमीटर्स हैं, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, राइट। 3, 3, 6 का एलसीएम 6 ही आएगा, तो 6 बनाना है इसको, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो -10/6, 4/9, -2/6 और ये -5/6। अब क्लियरली आपको दिख रहा है कि दिस वन इज द ग्रेटेस्ट, तो इसको पहले लिख लेते हैं ग्रेटर देन। अब इन तीनों में से कौन सबसे बड़ा है, तो जिसका वैल्यू सबसे कम है, यानी -2/6। -2/6 का ओरिजिनल फॉर्म क्या था, अगर आप देखें तो -3/27, तो इसी को लिख लेते हैं, ओरिजिनल ही लिखेंगे जो हमारा गिवन है। अब ये हो गया, इन दोनों में से कौन छोटा बड़ा है, तो -5/6 बड़ा है, ये तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही है, बच गया -10/6, तो -10/6 का ओरिजिनल फॉर्म है -5/3। तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर लिए इसको। अब इस पर अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, -3, -1/3 और -5/6, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों निगेटिव इंटीजर्स हैं, निगेटिव रेशनल नंबर्स हैं, तो ये तो आपका दो इंटीजर्स भी है, ये थोड़ा फ्रैक्शंस में है, दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो सिर्फ इन्हीं दोनों को अगर हम लोग कन्वर्ट कर लें तो हमारा क्विकली आंसर आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं -2/6, -5/6। कैसे हो गए 2/6, तो देखिए 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब आप क्विकली इसको अरेंज कर सकते हैं, 0 सबसे बड़ा है इसमें, उसके बाद इन दोनों में से कौन बड़ा है, -2/6 यानी -1/3 बड़ा है, फिर -5/6 और सबसे छोटा -3 हो गया, ठीक है ना। कैसे हो गया, तो निगेटिव में जो बड़ा होता है वही सबसे छोटा हो जाता है ना, तो आप देखें निगेटिव साइन हटा के तो सबसे बड़ा यही हो रहा है, तो सबसे छोटा यही हो जाएगा। ओके, तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से कंपेयर कर पाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को, आज के इस वीडियो को एंड अप कर देते हैं, क्योंकि हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पे चर्चा की है हम लोग आज, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा, तो थोड़ा आप इस पे समय दें, आप खुद से भी कुछ क्वेश्चंस करें इस पे, फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स पे या आगे के न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।